हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शेयर हब 23। आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल व्हिच इज यूज्ड विद इन अ फार्मूला टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट और आउटपुट। हम सेल रेफरेंसेस को एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं और जब भी हम कोई फार्मूला बनाते हैं, कोई फार्मूला क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हमें सेल रेफरेंसेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपना डिज़ायर रिजल्ट मिल पाता है। ये एक बेसिक फाउंडेशन है किसी भी एक्सेल के अंदर फार्मूले को क्रिएट करने या बनाने के पीछे। इवन अगर आप VBA की भी बात करेंगे तो उसमें भी सेल रेफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि कितने तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं एक्सेल के अंदर, तो तीन तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है, आपकी रोज़ और कॉलम फार्मूले के अंदर डायनेमिकली चेंज होते हैं जैसे जैसे आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। आपको बार बार जाके उसकी फार्मूले के अंदर रेंज को चेंज नहीं करना होता है या रेफरेंस वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। नाम से ही इंडिकेट है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, आपके रोज़ और कॉलम दोनों की पोजीशन फिक्स रहेगी, एक फिक्स पोजीशन से ही वो वैल्यू उठाएगा, बाकी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस के अंदर आपका एक कॉलम या रो दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपकी फिक्स रहेगी तो उसको हम कहते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। तो चलिए अब हम इन तीनों तरीकों को, इन तीनों टाइप्स को प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सेल रेफरेंसेस कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट होते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हमारा आउटपुट रिजल्ट हमको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें सेल रेफरेंस यूज़ करना होता है, चूज़ करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस की। रिलेटिव सेल रेफरेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सेल रेफरेंस की वैल्यू डायनेमिकली चेंज होगी, उसको आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ एजेंट नेम दिए हुए हैं और उन्होंने एजेंट ने कुछ कुछ यूनिट अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में, ABCD प्रोडक्ट कैटेगरी हैं जिनमें वो यूनिट सेल करी हुई हैं। तो अब आपको क्या काम करना है, आपको टोटल यूनिट्स सोल्ड बाय एन एजेंट, आपको एक एजेंट ने कितनी यूनिट सेल करी हैं वो निकालना है। तो आपने सम फार्मूला यूज़ करेंगे, अपनी रेंज दे देंगे CA2F8, आपने रेंज दे दी, एंटर कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके जो सेल के रेफरेंसेस हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी वो फिक्स नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ इस फार्मूले को, तो आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली रो को चेंज कर लिया। रो की रेफरेंस वैल्यू ऊपर थी CA2F8, अब हो गई C9 to F9, राइट। और ऐसे अगर मैं इसको आगे चेंज कर देता हूँ तो ये आपकी सेल रेफरेंस की वैल्यूज डायनेमिकली चेंज कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। कंडीशन क्या है कि हमें निकालना है एक एजेंट ने अपनी टोटल सेल का, सभी एजेंट की टोटल सेल का से का कितना परसेंटेज निकाला है, ठीक है। यानी कि एक एजेंट ने जितना सेल करा है वो टोटल सेल की कितना परसेंटेज है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो टोटल सेल निकालनी होगी जो सभी एजेंट ने मिलकर अचीव करा, तो वो आ गया 1792, ठीक है। अब आपको चाहिए कि मार्क की टोटल सेल 357 है जो कि 1792 का कितना परसेंटेज रहेगा। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर मार्क की टोटल सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर ग्रैंड टोटल सेल सेलेक्ट करेंगे और उसको डिवाइड कर दिया 20%, ठीक है, 20% आ गया आपका। अब इसी फॉर्मूले को अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपको एरर आ गया। एरर क्या आया, चलिए चेक करते हैं। एरर ये आया क्योंकि हमारा जो टोटल यूनिट सोल्ड हैं जो सभी एजेंट ने मिलकर अचीव करी सेल यूनिट, सेल का टारगेट जो अचीव करा हुआ है वो तो हमारा G15 रो में है, ठीक है, लेकिन जब हमने फार्मूले को ड्रैग करा तो वो आपका सेलेक्ट कर रहा है G16, क्योंकि यहाँ पर अभी रिलेटिव रेफरेंस यूज़ हो रहा है। तो हमें इसे चेंज करना होगा और हमें ये समझना होगा कि हमारी जो रेफरेंस वैल्यू है टोटल यूनिट सोल्ड की जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं
वो आपकी एक पर्टिकुलर सेल में फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है बार बार। तो यानी कि आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाना है, एब्सोल्यूट सेल। अब इसको एब्सोल्यूट करने के लिए, इस वैल्यू को फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, जब आपने F4 की प्रेस करी, आप देख रहे होंगे कि कॉलम और रो के आगे पीछे डॉलर साइन का सिंबल आ गया है। इसका मतलब यह है जिस जिस फिगर जिस वैल्यू के पीछे, कॉलम की वैल्यू के पीछे या रो की वैल्यू के पीछे अगर डॉलर साइन लगा हुआ है तो वो फिक्स है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जी के पीछे लगा हुआ है यानी कि जी भी फिक्स है, और रो के पीछे लगा हुआ है तो रो भी फिक्स है। ठीक है, अब हम इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, ड्रैग कर दिया। अब हम देखेंगे क्या ये सही वैल्यू पिक कर रहा है। बिल्कुल, देखिए यानी कि हमारा जो रेफरेंस वैल्यू है एजेंट के अकॉर्डिंग वो तो चेंज हो रहा है, विच इज़ करेक्ट, और आपकी जो टोटल सेल वैल्यू है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है। ऊपर भी G15 था, नीचे भी G15 है। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी G15 है। यानी कि आपकी वैल्यू, ये टोटल यूनिट सोल्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि अभी आपने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इसको यूज़ करा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिक्स सेल रेफरेंस की। तो मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, जैसा हम बता चुके हैं, मिक्स सेल रेफरेंस में एक रो या एक कॉलम दोनों में से एक चीज़ फिक्स रहेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास कंडीशन है, आपने सेल कर दिया एजेंट ने हमारे ने, अब सेल के बाद उनको पैसा भी तो चाहिए, उनको कमीशन चाहिए, तो उनका कमीशन कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में प्रोडक्ट ए कैटेगरी में कमीशन कितना है, 10%। ठीक है, तो अब हम मार्क के लिए कमीशन निकाल लेते हैं कि प्रोडक्ट ए का उसको कितना कमीशन मिलेगा। तो 100 यूनिट उसने सेल करा हुआ है, जो कि कहाँ पर है, आपका सेल C8 पर। उसको आपने 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आपके J6 पर है वैल्यू उसकी। आपने एंटर कर दिया, आपके पास 100 का 10%, 10 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आ गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आप आगे ड्रैग करेंगे तो आपने देखा इसने हमें एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया, चलिए चेक करते हैं। एरर दिया क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिलेटिव सेल रेफरेंस उठा रहा है, C9 वैल्यू उसने उठाई, टॉम की प्रोडक्ट ए की फिगर उसने पिक कर ली, दैट इज़ ओके। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं J7 पर हमारा क्या है, प्रोडक्ट ए लिखा हुआ है, वहाँ पर आपके कमीशन की वैल्यू तो है ही नहीं, यानी कि आपका फॉर्मूला गलत हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, आपका कॉलम तो फिक्स हो, कॉलम वैल्यू आपकी कॉलम जे में है ही है। ठीक है, आपकी रो चेंज हो रही है, राइट, आपकी रो चेंज हो रही है, तो आपको रो को फिक्स करना पड़ेगा। आपको रो को फिक्स करने के लिए आप वापस अपने फॉर्मूले में जाएंगे और डॉलर वैल्यू, डॉलर साइन लगा देंगे। ठीक है, जैसे आपने डॉलर साइन लगाया यहाँ पर, अभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस वैल्यू के पीछे डॉलर साइन लगा होगा वो वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी। तो अभी हमने 6 के पीछे डॉलर साइन लगा दिया है, जिससे हमारी रो जो है वो फिक्स हो गई। अब आप देखेंगे इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करूँगा और ये हमें बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। चेक कर लेते हैं, तो देखिए C9 यानी कि उसने टॉम की सेल फिगर निकाली प्रोडक्ट ए की, और उसको 10% से, और उसका 10% कैलकुलेट करके हमें दे दिया 5। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको सेल रेफरेंसेस समझ में आ गए होंगे एक्सेल के अंदर कि वो क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशन, उसको कैसे अप्लाई करा जाता है किसी भी फॉर्मूले के अंदर। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका परफेक्शन आता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आपको एक्सेल के अंदर और कोई वीडियो चाहिए तो उसका कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।